आपका मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 की रिमेनिंग प्रॉब्लम्स जो कि हैं सेक्शन बी की प्रॉब्लम H। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर रिसीव करना है यूज़र से और उसकी हमें ऑक्टल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑक्टल वैल्यू मतलब कि किसी भी नंबर का एक बेस होता है। तो जो हम इंटीजर्स लेते हैं उनका बेस होता है 10। ठीक है, इसी तरह बाइनरी डिजिट्स होती हैं, बाइनरी डिजिट्स का बेस होता है 2। तो इसी तरह हमें इंटीजर को यानी कि बेस 10 की जो डिजिट है उसको कन्वर्ट करना है बेस 8 की डिजिट में। फॉर एग्जांपल ऑक्टल वैल्यू ऑफ 9 वुड बी 11, ऑक्टल वैल्यू ऑफ 10 वुड बी 12, लाइक दैट। तो इन्होंने हमें तरीका ही बता रखा है कि ऑक्टल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे इसी इंटीजर की। तो किसी भी इंटीजर की ऑक्टल वैल्यू निकालने के लिए हम उसको 8 से डिवाइड करते चले जाएँ और उनके रिमाइंडर को स्टोर करते चले जाएँ और फिर जब तक वो नंबर जीरो से ज़ीरो ना हो जाए तब तक हम 8 से डिवाइड करते जाएँ। जो भी हमारे पास रिमाइंडर है हम उसे लिखते चले जाएँ, स्टोर करते चले जाएँ और फिर उन रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में हम प्रिंट करवा लें तो हमारी ऑक्टल वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए फटाफट इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। दोस्तों प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रोग्राम में हमने एक नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं इस वाले फंक्शन का यूज़ किया है, इस वाले प्रोग्राम का यूज़ किया है। इस प्रोग्राम का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये प्रोग्राम हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है कि नंबर को रिवर्स कैसे करना है, तो उस पार्ट को आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ये वाला पार्ट है। तो अब बेसिकली हम करेंगे क्या, हम यूज़र से एक नंबर लेंगे, उसको नम में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद जब तक ये नम ज़ीरो नहीं हो जाता, वाइल नम यानी कि जब तक कि नम नॉन ज़ीरो है तब तक ये लूप चलता रहेगा। और इस लूप में हम क्या करेंगे, बार बार हम नंबर को 8 से डिवाइड करते चले जाएंगे। हर बार 8 से डिवाइड करते जाएंगे, यही हमें हिंट में कहा गया था कि इस नंबर को तब तक 8 से डिवाइड करो जब तक वो ज़ीरो ना हो जाए। तो हम नंबर को 8 से डिवाइड करते चले जाएंगे कब तक, जब तक कि वो ज़ीरो नहीं हो जाता। जैसे ही ज़ीरो हो जाएगा तो ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर को 8 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर ले लिया। तो रिमाइंडर हमने REM में सेव कर लिया और हमने एक नया नंबर बना लिया, उसका हमने नाम रखा ऑक्ट। यहाँ पे हमने ऑक्ट डिक्लेयर कर रखा है, उसको इनिशियलाइज कर रखा है ज़ीरो से। तो ऑक्ट में है 10 इंटू ऑक्ट प्लस रिमाइंडर, तो एक नंबर बन जाएगा। और फाइनली जब हमारा ऑक्ट पूरा हो जाएगा हम बाहर आएंगे और इस ऑक्ट को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स हमने कैसे किया है, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में बता रखा है, वो आप देख सकते हैं। और फाइनली जब ये ऑक्ट हमारा रिवर्स हो जाएगा तो हम इसको रिवर्स नंबर को REF रिवर्स में सेव करवाएंगे और इसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने इनपुट दे रखा है 10, तो देखिए जब हमने 10 दिया तो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट है 12। सपोज़ मैंने 11 इनपुट दिया तो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा 13। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की लास्ट प्रॉब्लम के साथ। बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।